बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चरर फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले हमने लेक्चरर फिज़िकल एजुकेशन PPSC 2017 का पहले 50 सवाल जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे, और अब ये उसका दूसरा हिस्सा है जिसमें हम नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये इंशाल्लाह ये वो चीज़ें हैं जो इससे पहले आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि PPSC के पेपर कहीं से भी नहीं मिल सकते। तो मेरी ये कोशिश होगी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइन दी जाए, और एक डायरेक्शन दी जा सके ताकि आप लोग अपने मतलूबा मकासद या अपने गोल को अचीव कर सकें। तो चलते हैं अपने पेपर की तरफ, और एक रिक्वेस्ट होगी यहाँ पे कि जो लोग भी इसको देखते हैं या सुनते हैं तो वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और अगर आप इसके मतलब कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाए हैं, वहाँ आप अपना जो भी मसला है वो लिख सकते हैं। टेस्ट की प्रिपरेशन और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपको जिस तरह की भी हेल्प रिक्वायर्ड होगी इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। अच्छा जी, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ MS एक्सेल इन विच वी राइट, ये सवाल था कि MS एक्सेल का छोटे से छोटा हिस्सा जो है जिसमें हम लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसको सेल कहते हैं, खाना जो है। क्वालिटी ऑफ टेस्ट शोइंग कॉज ऑफ टाइम, और इसका जवाब था यूजबिलिटी। यू शुड कंटिन्यू CPR फॉर पेशेंट्स, तो हम CPR जब उसको देते हैं, प्रेस करते हैं सीने को सांस बहाल करने के लिए, सर्कुलेशन बहाल करने के लिए, तो वो कंटिन्यू करने चाहिए। उसमें था कि रुक रुक के करें, आप ना करें, छोड़ दें, तो वो कंटिन्यू से मरा दिया कि उसमें एडल्ट के लिए और छोटे बच्चों के लिए वो तादाद मेंशन है कि आपने 10 मरतबा करना है, 15 मरतबा उसको प्रेस करना है, फिर कितना वक्फा देना, तो भी एक किस्म का वो कंटिन्यूस है। और मैंने फील्ड अटैम्प्ट इन पोल वॉल्ट में कितनी अटैम्प्ट दी जाती हैं, ये आपको पता है 3 अटैम्प्ट दी जाती हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने माइल के बराबर होता है, 1 किलोमीटर 16.3 माइल के बराबर होता है। फर्स्ट वायसराय ऑफ सब कॉन्टिनेंट के फर्स्ट वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनन थे। रियल नेम ऑफ चंगेज़ खान का असल नाम क्या था, तैमूजन। इन जून 2017 द कंट्री वायलेट द एनवायरमेंटल एग्रीमेंट, ये मेरे ख्याल में जून के बाद पेपर हुआ था 2017 में, तो रिसेंटली वो वाक्य ये हुआ था कि वो एनवायरमेंटल कोई एग्रीमेंट हुआ था, उसको USA ने वायलेट किया था, तो वो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आया हुआ था। ड्यूरेशन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनकी ड्यूरेशन जो है 2 साल है, जो परमानेंट हैं उनको तो पता है आपको कि वो परमानेंट ही रहते हैं। एक्सपायरेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड, वो उसमें था शायद रेस्पिरेशन या इनहेलेशन एक्सेलेशन, जैसे हम पढ़ते हैं ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो एक वॉल्यूम भी था टिडल वॉल्यूम। स्मॉल बॉडी क्रॉप इन द थ्रॉट इज कॉल्ड, हमारी जो गले में एक स्मॉल बोनी क्रॉप जो है उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटस बोलते हैं। प्रोटीन रिजर्व्ड अबाउट कैलोरीज, प्रोटीन जो है वो 2000 kg कैलोरीज जो है वो रिजर्व रखती हैं। विच इज़ द मोस्ट डेंजरस, उनमें से था हीट स्ट्रोक जो डेंजरस है, हीट एग्जॉस्ट, हीट फटीक, तो उन सब में से जो था वो हीट स्ट्रोक जो है वो मोस्ट डेंजरस था, इससे डेथ भी हो सकती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाटर एक्सेप्ट, उनमें काफ़ी सारे दिए हुए थे कि इसके अलावा कौन कौन से फंक्शन हैं, जैसे टेम्परेचर करना, मेंटेन करना, और थ्रस्ट, हंगर, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन ग्लूकोज लेवल जो है वो वाटर नहीं करता, इसके अलावा सारे वो काम करता था जो 3-4 ऑप्शन थे। विच इज़ नॉट द कैटेगरी ऑफ डोपिंग, डोपिंग की कैटेगरी आपने देख ली, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जहाँ पे मेंशन की थी उसमें से कोकीन जो थी वो उस ज़ुमरे में नहीं आती। IP डेस्क फॉर मैनी बिट्स, ये कंप्यूटर सेक्शन का है, इसको भी आप देख लें कि एक IP जो है वो 32 bytes पे मुश्तमिल होता था। ओल्ड नेम ऑफ रिवर झेलम हेड स्पेस, या ओल्ड ये दरियाओं के ओल्ड नेम भी याद कर लें, इससे आपकी ये भी एक किस्म की आपको लाइन मिल गई कि
हम दरियाओं में बड़ा छोटा तो ढूंढते हैं, उनकी लेंथ देखते हैं, लेकिन उनके नाम भी देख लें, जिस तरह शहरों के पुराने नाम क्या हैं, फैसलाबाद का लायलपुर है, कराची का देबल है, वो इन्वेंटेड गूगलिंग। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना अब्दुल कादिर का नाम लेकर आए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। बर्नर्ड बास्किन जो है वो, ये मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है जिसने गूगली इन्वेंटेड की थी, और जो क्रिकेट के प्लेयर हैं उन्हें पता होगा कि गूगली क्या होती है। इस टर्म को भी अच्छी तरह देखें, पैसिव एक्टिव आंसर उसमें कोई पैसिव एक्टिव था, उसका एक पैसिव एक्टिव का यानी यहाँ आपको पता होना चाहिए सेंटेंस आता है, तो उसका ये आंसर था जो इन लोगों ने पेपर दिया है तो उनको याद होगा। एक बर्नआउट के मुतल क्वेश्चन था, बर्नआउट भी एक टर्म है जब खिलाड़ी की अचानक से परफॉर्मेंस लूज हो जाए किसी भी एक्सीडेंटल कंडीशन की वजह से, तो उसको बर्नआउट बोलते हैं। इंग्लिश सेंटेंस है उसका सो टायर्ड का था, उसमें भी सी ऑप्शन था, तो वो भी एक क्वेश्चन था। हाउ मेनी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स फॉर ह्यूमन बीइंग 20 हैं ये अमाइनो एसिड्स। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 फॉर द राइट ऑफ मिनॉरिटी, मिनॉरिटी के राइट के हवाले से जो आर्टिकल 36 है आपके, इससे ये भी है कि आप पाकिस्तान के आर्टिकल सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो 1973 है इसको भी स्टडी करें, इसमें 280 आर्टिकल हैं, इसमें मिनॉरिटी के लिए कौन सा है, फिर इसमें औरतों के राइट के लिए कौन सा है, फिर मनासब मुख्तलिफ यानी आप कह सकते हैं कि अपने राइट के हवाले से आपको पता भी चल जाएगा और एक किस्म की आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। ग्रेविटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन, मुस्तकिल तौर पर जो आपका वेट जो है नीचे की तरफ अमल करता है, एक्सेलेशन पैदा करता है, इसरा पैदा करता है, तो वो ग्रेविटी है। फैट डाइजेशन, फैट भी और ज़्यादातर जो डाइजेशन का अमल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। थॉमस कप आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, मोस्टली जो इवेंट हैं वो 4 ईयर 5 ईयर के होते हैं, लेकिन ये 3 साल के बाद होता है थॉमस कप। वट इज़ द काज ऑफ रनिंग बेयर फुट, हुक्म इन्फेक्शन, आपको नंगे पाँव अगर आप चलते हैं या दौड़ते हैं तो फिर आपके पाँव को इन्फेक्शन हो सकता है। द की पॉइंट इन फिजिकल एजुकेशन, वहाँ पे जितने भी आंसर थे उनमें से सूटेबल आंसर था मोटर फिटनेस यानी चलते फिरते रहना, और फिटनेस जो है ये फिजिकल एजुकेशन का की पॉइंट है। कोल्ड टैंक कैमोलाइजेशन और ठंडे माहौल में बुलंदी के ऊपर ये क्या, इससे क्या फ़र्क पड़ता था, तो इंक्रीज परफॉर्मेंस। विच ओलंपिक्स हेल्ड एट हायर पॉइंट, मैक्सिको ओलंपिक्स 1968 जो हैं वो हायर पॉइंट पे हेल्ड हुई हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ क्या, जब भी आपने कोई काम करना है तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जी चीज़ है वो है प्लानिंग। तो सुनने में यही है कि अगर यू हैव प्लान वेल यू आर हाफ डन, अगर आपने प्लानिंग अच्छी कर ली तो समझ लिया आपने आधा काम कर लिया। टाइम फॉर ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ एक फ्रीक्वेंसी का मतलब था कि जितना टाइम मुश्किल किसी भी इवेंट के लिए किसी भी सरगर्मी के लिए दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्ज साइज सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, तो सबसे बड़ा साइज़ किसका था, क्लस्टर, आपको पता है क्लस्टर सैम्पलिंग में हम पहले किसी सिटी को इंतखाब करना है, फिर सिटी में से टाउन का इंतखाब करते हैं, टाउन में से गली का, गली में से घर का, घर में से फिर आगे लोगों का, इस तरह हम क्लस्टर में बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें से चंद एक को हम मुंतखब कर लेते हैं। Which muscle is used to decline setup? अब setup में नीचे जाने के लिए आपके कौन से muscles इस्तेमाल होते हैं, ये abdominal muscles हैं। Milk eggs are, ये उसमें था कि ये क्या हैं, protein हैं, carbohydrates हैं, vitamin हैं, तो जाहिर सी बात है ये eggs वगैरह बाकी सारी चीज़ें, ये ज़्यादातर protein थी। Blueprint is called strategy, blueprint से मैं कोई भी आप काम करने के लिए आप strategy बनाते हैं तो उसको blueprint बोलते हैं। If tennis player learn from the golf it is negative, टेनिस प्लेयर अगर गॉल्फ से सीख रहा है तो ये इससे नेगेटिव लर्निंग है। हु इज़ द राइटर ऑफ मूवी स्लिम डॉग मिलियनेयर, विकास विर्क, तो ये एक स्लिम डॉग मिलियनेयर उस वक्त बड़ी पॉपुलर मूवी थी, तो उसके राइटर का भी नाम पूछा था। हाउ मेनी प्लेयर्स इन रग्बी, रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं। वन क्वेश्चन अबाउट इंटेंसिव एक्सटेंसिव से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन जो है वो इंजरीज के मुतल्लिक था, और एक क्वेश्चन जो मैथ का था जिसमें कोई 25-30, 30-35 ये फिगर्स वगैरह याद थे, एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो मुझे याद नहीं है, और एक क्वेश्चन इंग्लिश का था, वर्ड था उसके मीनिंग बताने थे। उर्दू के 2 क्वेश्चन थे, उर्दू के मुहावरा था टामक पोइया मारना, और आखिरी सवाल जो है तकरीबन 95 क्वेश्चन हो गए हैं, खाकों पर मबनी किताब रास्ते में मिले थे, ये अहमद बशीर की थी। तो इस तरह उर्दू का मुहावरा आ जाता है और इंग्लिश का कोई ना कोई बुक या ज़रबुल मिसल,
ठीक है, तो इस तरह की चीज़ आती है। इंग्लिश में एक आप कह लें कि सिनोनियम एंटोनियम आ सकता है, पेयर ऑफ वर्ड्स आ सकते हैं, या फिर मीनिंग आ सकता है किसी का, और उसके साथ पैसिव का फिक्र आ सकता है, एक्टिव आ सकता है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट आ सकता है, कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल आ सकता है, और दो क्वेश्चन जो है मैथ के आगे। तो इस तरह ये कुल मिलाकर आपके तकरीबन जो है वो 100 क्वेश्चन उस पेपर के पूरे हो गए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन को भी देखें और इनसे आप अंदाज़ा भी लगाएं कि कितना डीपली और किस लेवल तक और किस तरह की चीज़ें, जिस तरह ये मूवी है स्लिम डॉग मिलीनियर है, फिर वो एनवायरमेंटल एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, सिक्योरिटी काउंसिल के मतलब सवाल है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बरसगीर की हिस्ट्री के मतलब है कि फर्स्ट वायसराय कौन सा है, ये सवालात जो हैं अमूमन हम इनको नहीं देखते। तो और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब सवाल है, तो ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए जो है रास्ता मुतय्यन करती हैं। गूगली को इन्वेंट किसने किया, द्राय झेलम का जो पुराना नाम, तो कुछ कंप्यूटर के आईपी एड्रेस और बाइट बिट और बाइट के मतलब, तो ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए नई हैं जो हमें एक रास्ता देती हैं, क्योंकि 20 नंबर का जनरल नॉलेज होता है जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन कोई छोटी बुक भी नहीं है और कोई इस तरह का डायरेक्शन भी नहीं हम किस चीज़ को पढ़ें और किसको ना पढ़ें। तो इस तरह जो दो चार पेपर आप अगर ये देख लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कहाँ तक पढ़ना है और किन किन चीज़ों को देखना है। तो अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को भी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भेजें। अस्सलाम वालेकुम।